हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, अभी तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं बनाने जा रही हूँ लंच। सुबह से थोड़ा बिजी थी और साथ में मम्मी जी के साथ मैं करने जा रही हूँ लंच की तैयारी। आज सुबह से ना थोड़ा बिजी थी, थोड़ा काम वगैरह किया। अभी मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे पैकिंग करना शुरू कर देती हूँ। और एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं बनाने जा रही हूँ लंच। सुबह से मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं शूट किया था, थोड़ा सा काम कर रहे थे मैं और मम्मी जी मिलके। अभी मम्मी जी बाहर बैठी हुई बात कर रही हैं और लंच मैं बना रही हूँ। लंच मैं आज झटपट बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी, चावल और साथ में रोटी बनाएंगे। आज सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं और मम्मी जी खाने वाली हैं। तो देखती हूँ दही लग गया होगा तो दही का कुछ बना लेंगे, दही तड़का वगैरह। हाँ, दोपहर तक तो लग ही जाएगा, जब तक खाना खाएंगे तो दही तड़का बना दूँगी साथ में। और आप भी बनाते हैं खाना, तो आज मैं झटपट वाला खाना बनाने का सोच रही हूँ। वैसे तो मटर भी ऐसे खोल के रखे हुए हैं, देखती हूँ अगर मम्मी जी बोलते तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, नहीं तो फिर दाल बनाऊँगी। वैसे आजकल सब्ज़ी वगैरह बहुत कम आ रही है घर पर, खाने वाले दो ही जने और थोड़ा थोड़ा खा के पेट भर जाता है। मम्मी जी भी बहुत कम खाना खाती हैं, मैं तो आपको पता ही है दो रोटी से ज़्यादा नहीं खाती हूँ। और देखिए किचन वगैरह सारा क्लीन कर लिया, वहाँ पे डेजी का खाना मैंने बना के रखा हुआ है सुबह ही, क्योंकि उसका खाना जो है ना गर्म होता है तो फिर उसको देने में बहुत दिक्कत आती है। चावल खाती है वो तो गर्म रहता है तो वो फिर बहुत टाइम लग जाता है उसको ठंडा करने में ना, इसलिए मैं उसका खाना जो है सुबह बना के रख लेती हूँ। उसको जल्दी जल्दी खाना चाहिए होता है, टाइम पे एकदम आके बैठ जाएगी बाहर ना, वहाँ पे वॉशरूम के बाहर वहाँ पे बैठती है वो। तो जैसे 1:30 होंगे या रात का टाइम होगा ना तो वो फटाफट आके बैठ जाती, तो मैं उसका खाना जो है सुबह बना के रख लेती हूँ। तो इसके चावल मैंने यहाँ पर बना के रख लिए, इनको यहाँ पर निकाल के रख देती हूँ। और ये देखिए लहसुन, ये लहसुन लेके आए थे ना, ये वैसे उस टाइम पर तो काफ़ी अच्छा लग रहा था लेकिन बाद में देखा तो ये हल्का हल्का देखिए काला होना शुरू हो गया ऐसे। और यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ ममरा, मुझे ये भी फ्राई करना है। जब मैं ग्रॉसरी लेके आई थी ना तभी लेके आई थी और तब से रखा था, शिल्पी चली गई, कहती मम्मी भेल बनाएंगे, लेकिन बस उसको भी टाइम नहीं लगा, क्लासेस उसकी शुरू हो गई थी तो टाइम ही नहीं लगा। देखा मैंने लहसुन नहीं, अब सारा यहाँ पर निकाल के रख दिया है। ये देखिए सुबह के ये नाश्ते के बर्तन है, आजकल तो ना नाश्ते के बर्तन भी बहुत कम होते हैं क्योंकि शिल्पी भी चली गई है। तो नाश्ता भी देखिए मैं और मम्मी जी या दो जन का कितना होता है, और अगर मम्मी जी भी चले जाएंगे ना तो मैं अकेली रह जाऊंगी। तो अभी तो मम्मी जी रुक रही हैं थोड़ा टाइम के, बहुत बोर हो जाती है, कहती कुछ काम भी नहीं है यहाँ पर करने के लिए। पहले शिल्पी थी ना तो उसके साथ भी टाइम पास हो जाता था, क्लास से लगाती रहती थी वो, तो उसको आवाज़ें लगाओ शिल्पी उठ जा खाना खा ले ये कर ले वो कर ले, अभी तो बहुत कम काम है, बस मैं और मम्मी जी और साथ में हमारे डेजी। तो डेजी के साथ भी वैसे टाइम तो पास हो जाता है, फिर भी इतना काम नहीं रहा है। तभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी पैकिंग जो करना शुरू कर देंगे। मैंने आपको दिखाया था कार्टन मैंने लाके रखे हुए खूब सारे, और भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़े बहुत और इकट्ठे करके रख लूँ, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि जाने वाले हैं। देखो हस्बैंड कब तक बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो जिस घर में हमें रहना है जिस घर में हमें रहना है ना वो अभी खाली नहीं हुआ है, जिस जो फाइनल हुआ है जिसमें हमें जाके शिफ्ट करना है वो अभी खाली नहीं हुआ है। तो देखते हैं वो कब तक खाली होता है, उसमें कलर वगैरह होगा उसके बाद ही हम उस घर में शिफ्ट कर पाएंगे। और फिर जब क्या होता है ना सामान रख देते हैं ना तो फिर कलर होना और जो भी उसकी रिपेयरिंग होना वो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आप पहले ही सब कलर वगैरह करवा के उसको तैयार करवा दें तो अच्छा है, बाद में फिर काम नहीं होता है। सामान रख देते हैं ना फिर उसके बाद काम करवाना बहुत मुश्किल होता है, धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हस्बैंड बोल रहे अभी टाइम लगेगा, अभी देखो कितना टाइम लगता है उसमें। और मैं तो ना इसमें डायरेक्टली छौंक लगा देती हूँ और दो बिसल लगवाती हूँ, दो बिसल में मूंग और मसूर की दाल जो तैयार हो जाती है। आप लोग किस तरह से बनाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग ना उबाल के भी बनाते हैं, इसको पहले उबाल लेते हैं उसके बाद इसमें छौंक लगाते हैं, लेकिन मैं तो डायरेक्टली लगा देती हूँ। और साथ साथ में चावल भी रख दूँगी दूसरी वाली गैस पे ही ना, थोड़े से चावल बनाऊँगी क्योंकि अभी तो मैं ही खाने वाली हूँ, पहले शिल्पी होती थी, दो दिन के लिए बन जाते थे और काफ़ी दिन हो गया चावल नहीं खाया मैंने। मुझे ऐसे लगता है कि पेट मेरा खाली है चावल से, मैं ऐसा लगता है कि भर जाता है, रोटी से मेरा पेट ना दोपहर के टाइम पर भरता नहीं है। तो थोड़े से चावल, दाल और साथ में रोटी, बिल्कुल थोड़े से ही बनाऊंगी। वैसे एक जन के लिए ना
चावल भी क्या ही बनाने। ये देखिए मैंने एक पैसे निकाले, मैं सोचती हूँ कि साथ में रोटी बना लूँ। कल भी मैंने रोटी बनाई थी अपने लिए भी और परसों भी रोटी बनाई थी, मतलब सुबह परांठे, दोपहर को रोटी और फिर रात को रोटी। तो अभी देखते हैं, मैं सोच रही हूँ चावल बनाते, मम्मी जी भी बोल रही हैं कि चावल बना ले साथ में और दाल। वो बाहर मम्मी जी बाहर फ़ोन पे बात कर रही हैं। अभी ना दाल में छौंक लगा देती हूँ और उसके बाद चावल भी मैंने रख दिए हैं बनने के लिए, जो मैं इसके बाद बस आटा निकाल के रख देती हूँ। मैंने सुबह में ही लगाया था आटा आज, और ये लेके आई हूँ मैं गुड़। गुड़ बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब खाना चाहिए सबको। और मम्मी जी बाहर बैठ के बना रही हैं। अरे बाप रे, मम्मी जी ने एक और शुरू कर दिया डिज़ाइन, ये देखिए। हाँ जी, ये तो पहले का बनाया हुआ है लेकिन ये अभी एक और शुरू किया उन्होंने, लाल और हरा ना। लाल है, दो ही कलर है इसमें लेकिन अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी पानी की बॉटल चेंज करनी है, मैं ये नहीं लेके आई हूँ और पुरानी वाली मेरी ये पिंक है। और मम्मी जी भी सेम हमारी दोनों की ये देखिए दो वाइट है, है ना मम्मी जी, अच्छी है ना ये, स्टील की अंदर से ना, अंदर से स्टील की है, बाहर से कलर करा, सफ़ेद कलर की है ये। मेरी और मम्मी जी की सेम है दोनों, और पहले मेरी ये वाली थी पिंक कलर की, अभी मैंने चेंज करके ये वाली लेके आई हूँ। मम्मी जी को भी बहुत अच्छी लगी ये वाली ना, है ना, साइज भी सही है इसका ना, पकड़ने में भी बहुत अच्छी है ये, एकदम मतलब बराबर है ना, बड़ा साइज है ना छोटा, और इतना पानी तो पिया जाता है ना मम्मी जी। हाँ, एक लीटर पानी होता है वैसे। एक तो नहीं होगा, आधा लीटर की होगी शायद, है ना, आधे लीटर की है ये आधे से कम है ये वाली भी, ये आधे से भी कम है। ये चेंज करके पानी की बॉटल लेके आया, ये अच्छा लग रहा है मुझे डिज़ाइन, ये प्यारा लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है दोनों का, है ना। वह भी मैंने छौंक लगा दिया, और देखिए बेड वगैरह मेरे सारे क्लीन है, बेडरूम सारी क्लीनिंग जो है बहुत अच्छी तरह से हो गई थी। आज मैंने ब्लैंकेट को ना बाहर धूप में सूखने के लिए डाला हुआ था, अभी ना ज़रूरत भी नहीं लग रही है ब्लैंकेट के। ये देखिए इस वाले को यहाँ डाला है, और दूसरे बेडरूम में उसको मैंने दूसरी वाली बालकनी में डाला। कल मैंने ना पूरी बालकनी की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करी थी, और ये केले का पौधा लगाया मैंने यहाँ पे, और इस तरफ तुलसी माता। ये देखिए अभी इसमें भी ना एक छोटा सा पत्ता आ रहा है,
सुबह शाम दो टाइम। मम्मी जी आई हैं तो मम्मी जी पूजा करती हैं दो टाइम, मैं साथ में उनको भी उनके साथ मैं भी पूजा कर लेती हूँ और सीखती रहती हूँ उनसे कि किस तरह से पूजा करनी होती है, किस क्या क्या प्रोसेस होते हैं सारे। और ये जो फूल है ना, ये मैंने आपको दिखाना भूल गई थी, ये शिल्पी ने बनाया है, ऐसा सूरजमुखी के हैं ये देखिए, ये उसने दो फूल बनाए थे और इसके पत्ते बहुत अच्छा लग रहा था देखने में ना, बहुत सुंदर लग रहा था। एक उसने बाहर टॉय बनाया था, वो मैंने आपको पुराने व्लॉग में दिखाया था, मतलब ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, नीचे उसने टेडी बेयर लगा दिया था, ये देखिए। अभी वो चली गई है कॉलेज तो उसका रूम खाली हो गया एकदम, और मतलब एकदम नीट क्लीन रहता है। वो रहती है तो पूरा भरा भरा और पूरा बिखरा हुआ रहता है, चारों तरफ किताबें, लैपटॉप, सारा सामान उसका, पेन, नोटबुक्स सब बिखरी हुई रहती हैं उसके रूम में। लेकिन अभी देखिए नहीं है तो रौनक भी नहीं है घर पे, और किसी का आवाज़ लगाने का भी वो होता है। डेजी भी सोई रहती है, नहीं तो डेजी भी उसके साथ घूमती रहती थी, उसको प्यार करती रहती है वो, और वो उसके साथ घूमती रहती है बस आगे पीछे शिल्पी के। और अभी नहीं है तो घर भी एकदम सुना सुना हो गया, उसका बेडरूम भी बहुत एकदम शांत, नहीं तो दरवाज़ा उसका बंद रहता था। और अभी रौनक ही नहीं है, है ना मम्मी जी? अभी अंकित नहीं है तो कैसा लग रहा है? वो बात तो कम करती है लेकिन वही ना रहती है, तो रहती है तो पता होता है ना, हाँ। कमरे में है, आजा खाना खा ले, आजा, है ना? हाँ। ऐसे रौनक रहती है, आती है तो फिर बातें भी करेगी और क्रोशे से लगी रहेगी बहुत शौक हो गया उसको क्रोशे बुनने का। अच्छा क्या करने, तो बाद में बनाएंगे, अभी खाना खा लेते हैं, बस रोटी बनानी बाकी है। दाल में चौक लगा दिया, चावल भी रख दिया मैंने। और डेजी देखो कैसे सो रही है, डेजी तो मेरी बात ही नहीं कर रही है ना, जब से अब की है ना, जब से तो चार रोटी ली, सो ही है बस डेजी। अंकी के साथ ही अंदर बाहर अंदर बाहर, अभी खाने के टाइम पे उठेगी, अभी एक बजा है ना, हाँ डेढ़ बजे उठेगी, बस रोटी बनानी है, रोटी बना ही देती हूँ, है ना? हाँ जी। रेजू खाना खाएगी, बस इसी चीज़ के लिए जाग रही है, खाना खाने के लिए, खाना खाएगी, बस खाना खाएगी और कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ बस खाना दे दो। और डेजी सो गई, हाँ जी काम भी कुछ नहीं है, सही बात है, कोई मज़ा नहीं आ रहा, अकेले अकेले क्या ही खाना, है ना?